तो आज है 23rd of February, आज आपका लिटरेचर पेपर था एंड आई बिलीव कि सबका ही एग्जाम अच्छा गया होगा। चल लेकिन आप आराम नहीं कर सकते हो बिकॉज 24 छुट्टी है, 25 छुट्टी है, 26 को आपका हिस्ट्री एग्जाम है, उसके बाद एक दिन छुट्टी होके ज्योग्राफी एग्जाम है, इजंट इट? तो इस दो दिन को और आज का दिन भी मैं जोड़ ले रहा हूं हाफ डे, टू एंड हाफ डे को हमें बड़े ही बढ़िया से यूटिलाइज करना होगा और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना होगा, सिर्फ पढ़ाई करना होगा, तभी आप एक अच्छा शेड्यूल बना के उसके आउटकम को अच्छा कर सकते हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पेपर को आप प्रिपेयर कर देते हो अच्छे से। देखिए सबसे पहली बात, मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं, तो 23rd मान लो आप 6 बजे से बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, हालांकि ये लेट है बट स्टिल मैं मान रहा हूं कि 6 PM से आप बैठते हो, ये आज का दिन है, ठीक है? पहले इसका शेड्यूल देख लो, 23rd, तो 6 से 8 का एक शेड्यूल ले लो, 9 से 12 का एक शेड्यूल ले लो, ये 3 घंटा का शेड्यूल मैंने दिया है और ये 2 घंटा का शेड्यूल दिया है मैंने, इससे ज्यादा भी कर सकते हो अगर आप 5 बजे बैठे तो, लेकिन 6 बजे तो बैठ जाओ भैया। मैं मानता हूं एक ये ज्योग्राफी को आप डेडिकेट कर दो, ज्योग्राफी में आप मैप देख लो, टोपो देख लो और हो सके तो 2-3 चैप्टर देख लो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और यहां पे मैं पहले बोल रहा हूं एक दिन का गैप है, बट ये जो 9 से 12 का सेशन है ये पूरा मेरा हिस्ट्री को डेडिकेटेड जाता है, हिस्ट्री के एक पोर्शन को आप चुन लो। मेरा मानना है कि कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड या सिविक्स, सिविक्स के 3 क्वेश्चन है, वहां पे से आपको 2 करने हैं, ठीक है? तो सिविक्स में मान लेता हूं, सिविक्स चुनो, सिर्फ एक पोर्शन चुनो और अच्छे से कर लो 9 से 12। मेरे प्लेलिस्ट में आप जाना, वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे दिया हिस्ट्री का, आप उतना कर लोगे इनफ है भाई। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, उतना कर लोगे इनफ है, मतलब यू आर वेल प्रिपेयर्ड मेंबर्स बोल सकता हूं, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसी से आएंगे क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा चांसेस, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है? तो सिविक्स दे दो, ये आपका हो गया 23rd का शेड्यूल। अब आइए आप आ जाओ 24th, 24th को कैसे यूटिलाइज करेंगे, 24th को कैसे यूटिलाइज करेंगे? 24th आप 8 बजे तो उड़ जाते होंगे, लेटेस्ट मैं बोल रहा हूं सबसे देर जो कुंभकर्ण है उसके लिए मैं बोल रहा हूं, एग्जाम का टाइम है 8 बजे उठ जाओ, 8 से 10 का एक सेशन ले लो, 6 बजे उठोगे और भी बढ़िया है, 10 बजे का सेशन लो, हैव योर यू नो ब्रेकफास्ट, नहा धो लो, 11 से अब 3-3 घंटे का शेड्यूल लो, थोड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है? ये मैंने 2 घंटे का रखा है, 11, 12, 1, 2, 1 घंटा ब्रेक, 3 से 6, 1 घंटा ब्रेक, 7 से 10, फिर 1 घंटा ब्रेक, 12 से 1। मान लो कि बच्चा का ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है? मान लो कि ये 11 से 1, मान लो ये 2 घंटा नहीं हो पा रहा, लेकिन 1 घंटा तो हो पाएगा ही पाएगा, 1 आवर तो यहाँ पे तो पॉसिबल है। कितने बच्चे होते हैं जो 12 बजे सो जाते हैं, ठीक है? लेकिन एग्जाम का टाइम, अगर आप एक्सटेंड भी कर ले रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट मना कर रहे हैं आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दो, 12 बजे ही छोड़ दो। अब देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, ये एक सेशन आप दे दो ज्योग्राफी को, मेरा मानना है, अगर नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, यहां पे भी कुछ चैप्टर्स को देख लो, ठीक है? अब कुछ नहीं, अब ज्योग्राफी गया काम से, अब जितना सेशन है मेरा, सेशन बाय सेशन हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है? एक सेशन सिविक्स पढ़ा था आपने, फिर उसे रिवाइज कीजिए पूरा 2 घंटा, ठीक है? उसके बाद ये 3-3 घंटा जो है सॉलिड, 1 घंटा आप ये एक स्लॉट आप पूरा इंडियन हिस्ट्री को दे, ठीक है? और ये जो है कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड को दे, कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड को ध्यान थोड़ा ज्यादा दो, मैं बोलना हूं कि सेकेंड सेशन भी इसी को दो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन यहां पे आते हैं, बड़े इजी आते और आप दोनों को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जो है यहां से आपको 3 ही क्वेश्चन करने, तो 2 क्वेश्चन अगर आप यहां कर लिए तो 1 क्वेश्चन तो यहां आराम से कर लोगे आप। तो ये कोशिश करो, मेरा मानना है, अगर किसी को इंडियन हिस्ट्री करना तो वो इंडियन हिस्ट्री करे, इंडियन हिस्ट्री का एक यहां पे बढ़ा दे, आप 2 सेशन दो, कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड अच्छे से रगड़ डालो, सिविक्स को अच्छे से रगड़ डालो,
हिस्ट्री का मैंने इंडियन हिस्ट्री का एक लंबा सेशन दिया है। मैंने फिर से बोला मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो पहले ही बना दिया, प्लेलिस्ट में आगे दे सकते हो, उतना कर लो भैया बेनाफ है। अब आया आपका 25, दैट्स अ संडे, ठीक है बस उड़िया भैया उड़िया। आठ से अगेन, पहला सेशन में 2 ही घंटा रखता हूं, 8 से 10, अब 3-3 घंटे का सेशन ले लो, 11 से 2, 3 से 6, 7 से 10, 11 से 1, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री अच्छे से देखो, ठीक है, ये 2 सेशन इनफ है, ये को 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना आपको आगे, 2 सेशन अच्छे से दो आप, ठीक है। फिर एक सेशन हुआ सिविक्स, आपने पहले ही रिवाइज कर लिया, बट फिर से एक बार सिविक्स पूरा देखो, प्लस अगर हो सके तो इंडियन हिस्ट्री देखो, एक पूरा नेक्स्ट सेशन में आप कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड देखो, इसमें आप रिवीजन कर लो, समझ लो। सुबह उठो 26 के सुबह को उठो, आपने नोट्स बना लिया है, आपको लगता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भैया ये आने के चांसेस है, जस्ट गो थ्रू इट। 7 बजे उड़ा 6 बजे उड़ा 7 बजे उड़ा, 7 से 10 मेरा मानना 3 घंटे का सेशन, जस्ट गो थ्रू द एंटायर थिंग वन मोर टाइम, ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। समझ, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आपको लगता है कि सर बहुत ज्यादा बोल दिए तो 1-2 सेशन आप स्किप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, बट अभी एग्जाम है पढ़ना तो आई है, उसके बाद थोड़ा मस्ती कर लेना, ओके। जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े हैं उनके लिए प्रॉब्लम है भाई, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन आई बिलीव कि सबने पढ़ा ही होगा, ओके। और अगर कोई बच्चा चाहे, अगर उनको लग रहा है कि मैंने इंडियन हिस्ट्री को कम दिया है टाइम, तो आज के दिन इंडियन हिस्ट्री भी थोड़ा पढ़ लेना, बस ये शेड्यूल इनफ है। मेरा मानना है सिविक्स बढ़िया से पढ़ो, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं लॉन्ग, आप कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड अच्छे से करो, 2 क्वेश्चन आपको यहां से फिर से कर सकते हो अगर आप चाहो तो, इंडियन हिस्ट्री से फिर आपका 1 क्वेश्चन बचेगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने जो 2 मार्कर क्वेश्चन है उसका भी एक वीडियो बनाया है, देख लेना, और आज नहीं तो कल मैं देख रहा हूं कि एमसीक्यू का एक सेशन आपके साथ कर लो। चल तो इस वीडियो में यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताएंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।